हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा वियतनाम में फोर्थ डे, तो ये होने वाला है मेरा फोर्थ व्लॉग। और अभी है हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, अभी बज रहे हैं 4:30 और टाइम हो चुका है हमारे निकलने का एयरपोर्ट के लिए। तो हम हो चुके हैं रेडी, बस निकलने लगे हैं। ये रहा मेरा OOTD। गुड मॉर्निंग गद्दा। गाड़ी आ चुकी है, वहाँ खड़ी है। बारिश हो रही है यार। पहुंच गए हम एयरपोर्ट। हेलो, 2 लाख लेके कॉफी। प्लीज वेट इन 5 मिनट्स। ओके, थैंक यू। Các chương trình khuyến mãi, quý khách vui lòng truy cập vào trang web. जी, सर, हम निकल चुके हैं दानांग एयरपोर्ट से और ये पहले से ही गाड़ी बुक कर रखी थी हमने, जो आ चुकी है। काफ़ी लग्जरी राइड है बाय द वे। एंड अभी हम जा रहे हैं होटल। और देखते हैं बालिका वधु इज चाइल्ड प्राइड। इट्स गुड टू नो दैट वियतनामीज पीपल आल्सो लाइक इट एंड वॉच इट इन देयर रीजनल लैंग्वेज। Jao. Welcome to Oasis. Thank you. Morning. Hello. Ciao. हेलो अगेन। सो हम आ चुके हैं होटल में, हमने चेक इन कर लिया है। हालांकि 2 बजे है चेक इन टाइम, बट एक रूम खाली था तो उन्होंने हमें चेक इन करवा दिया है सुबह 10 बजे ही। सो अभी हम आ गए हैं रूम में, तो सोच रहे हैं कि आज का डे पूरा यूटिलाइज़ कर लें और अभी हम बस निकलने लगे हैं। कुछ खाना वाना भी खाना है और बीच भी जाने की सोच रहे हैं कि वहीं से बीच होते हुए मार्केट होते हुए आएँगे। हम रेस्टोरेंट से होके आए हैं लेकिन हमें कुछ खाने को नहीं मिला अभी। 11 बजे के बाद फूड ऑर्डर होगा, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, बाहर ही खाएँगे अब। हेलो, एक डस्ट का पार्टिकल नहीं है, इतनी अमेजिंग। लव इट। ये रहा महाराजा।
मिलियन के बाद। सो हम हैं अभी इंडियन रेस्टोरेंट महाराजा में और ये है होयान में, और हमने प्रॉपर देसी खाना मंगवाया है, कढ़ाई पनीर, रोटी, लस्सी एक्सेट्रा। तो चलिए खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि खाने का कैसा रिव्यू है। बाकी खाली है अभी तो खुला ही, और हम आ गए हैं पहले रेस्टोरेंट, आ गए समोसे। हमने ऑर्डर किया ये समोसा जो कि काफ़ी क्रिस्पी है, फीलिंग अच्छी है, बहुत स्पाइसी भी नहीं है, बहुत अभी अभी बना के लाए हैं। सो ये देखिए हमने लंच कर लिया है अच्छा खासा, और अब हम जा रहे हैं होटल वापस, बिकॉज़ अभी बहुत ज़्यादा धूप है और कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं। जब तक कार में है तब तक तो ठीक लग रहा है, बट बाहर निकल के हालत ख़राब हो रही है। सो शाम में निकलेंगे तो मार्केट भी जाएंगे और बीच भी जाएंगे। फिलहाल जाते हैं घर पर, थोड़ा रेस्ट करते हैं, बिकॉज़ हम लोग पूरी रात सोए भी नहीं है अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट के चक्कर में। तो मिलते हैं आपसे फिर शाम में। हेलो जी, सो मैं आपसे गाड़ी में ही मिली थी तब भी, और अभी भी गाड़ी में ही मिली हूँ। सो हम चले गए थे उसके बाद होटल, हमने लिया एक प्यारा सा नैप, और उसके बाद फ्रेश नप होके रेडी होके हम निकल गए हैं फॉर बीच। सो देयर आर मोर पीपल कमिंग, और अभी हम जा रहे हैं शटल से जो कि हमें होटल वालों ने ही प्रोवाइड की है। सो यहाँ पर ये लोगों को पिकअप करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो हम निकल चुके हैं, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं बीच पे। यहाँ से बीच से आप पैर गंदे करके आओ, यहाँ पे इन्होंने ड्रम रखा है, पैर धो और उसके बाद साफ सुथरे पैरों से इनके रेस्टोरेंट में जाओ। तो चलो अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। काफ़ी प्यारा है डॉल्फिन किचन एंड बार। और अगर आप जिस होटल में हम रुके हैं वहाँ से आपको यहाँ पे फिर कुछ सर्विसेज भी फ्री मिलती हैं, नॉट फूड बट सर्विसेज। तो हमारी ग्रैब राइड आ चुकी है और बीच से निकल गए हैं हम। अभी हम जा रहे हैं होटल क्योंकि हमें कल सुबह के लिए बाना हिल्स के लिए पहले बुकिंग करनी है, तो उसके लिए हमें होटल एक बार जाना पड़ेगा क्योंकि वो हम भूल गए। और उसके बाद फिर हम निकलेंगे वहीं से मार्केट के लिए, मे बी शटल बुक करके या फिर टैक्सी बुक करके, देखते हैं। फिलहाल चलते हैं होटल।
Yo, you sit down here. Sit down. I'm gonna take a picture for you. Ah, you get it. हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हम कहाँ जाएं क्या खाएं, तो हम अभी घूम रहे हैं. मुझे सामने मोमेंट्स देखो, ये रेस्टोरेंट बहुत गर्मी है. फाइनली हमने एक जगह फाइनल कर ली है खाना खाने के लिए. हॉन्ग फू टू है इस जगह का नाम, और हमें खाना था पिज्ज़ा क्योंकि वेजिटेरियन. तो यहाँ पे पिज्ज़ा का ऑर्डर दे दिया हमने, गार्लिक ब्रेड और मेरा बेसिक कोका कोला. सो अभी वो आ रहा है, लेट्स सी. और अभी हमें 9 बजे 9:10 पे एग्जैक्टली हमें शटल मिलेगी, हमें जो गाड़ी आनी है पिक करने वो आ जाएगी. तो लेट्स सी जल्दी जल्दी हो जाए. जब आप बोटिंग करने आते हैं तो उसी के सामने ही है ये रेस्टोरेंट, और इजी एक्सेस है. हॉन्ग फूक टू नाम है इसका, आप देख सकते हैं. मैं अभी वो दिखाती हूँ आपको बाहर का, मैं जो मेरा व्यू है. सो ये रहा ये बंदा, ये लोग यहाँ घूमते रहते हैं. और सामने बोटिंग हो रही है, ये स्ट्रीट साइड ही है. और ये व्यू है, सामने लेक है जहाँ बोटिंग हो रही है. आर्ट बाय अंकित, बाय अंकित लिखो ना यहाँ पे, नहीं हो पाएगा. चलो ठीक है, फिर खा लेते हैं. Mm-hmm.